Hello everyone, I am Riddhi, nutritionist and a co-founder of Nutribut Foods. At Nutribut Foods, we are on a mission to eliminate iron and protein deficiency among little ones and moms. Social media is helpful. With the increasing content, there are so many misleading information also to pregnant women or bachcho ki baat hai. So, aapko hamesha media pe rely nahi hona hai. That's why we have taken up this as a to spread right awareness with the help of healthcare experts. So, aaj hamare saath hai nutritionist Ritu Bhatia. Wo Faridabad se hai, and yes, he has experience from more than 15 years. Aur wo hamesha believe karti hai ke wo bhi same diet ya same बॉडी मेटाबॉलिज्म सबका अलग अलग रहता है. शी ऑलवेज मेक टेलर मेड डाइट प्लान फॉर एवरीवन, पर्सनलाइज्ड फॉर प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, फॉर इन्फेंट्स न्यूट्रिशन एज वेल एंड मेन. वो काफी पीसीओएस, पीसीओडी, लीवर डिजीज, कोई भी टाइप के डिजीज डिसऑर्डर्स हो, वो सबके पर्सनलाइज टेलर मेड डाइट प्लान उनके क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं. तो आज हम उनके साथ पूरे प्रेगनेंसी में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन, तो उसके लिए हम आज उनके साथ करेंगे. तो आज का हमारा पॉडकास्ट है द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी. सो लेट्स वेलकम हर टुडे. यस, थैंक यू रिद्धि, थैंक्स फॉर वेलकम. Thank you so much. Thank you so much for joining with us, joining with me for spreading this awareness, which is actually very needed nowadays. My pleasure. Yeah. Riddhi ji, आज हम सबसे पहले आपकी जर्नी सुनना चाहेंगे, that from where you have completed for nutrition study, और कहाँ का आपका कितना experience है, and then finally you have started your. Right. See, I did my graduation from IHE, Delhi University, and then post-graduation hui hai IHM Pusa again from Delhi. Uske baad I did my Project Hope, which is a certified diabetes educator course, aur maine Apollo mein internship ki thi. And after that, I got married aur mera thoda sa break ho gaya tha of 10 years. Then I started with various hospitals like gynees ke saath, physiotherapist ke saath kaam karna start kiya. साथ के साथ आई डिडंट गिव अप ऑन माय स्टडीज, पढ़ाई करते रहे, बिकॉज इन आवर प्रोफेशन यू नीड टू बी वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट द न्यू डिजीजेस, द न्यू रिसर्चेस एंड एवरीथिंग. सो स्टडी तो अभी चल रही है, एंड 2015 में आई स्टार्टेड विद माय ओन ऑनलाइन बिजनेस, जो ये हमारा ऑन फ्रीलांसिंग का है. अपार्ट फ्रॉम इट आई एम कनेक्टेड विद वेरियस एनजीओस. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस में वेबिनार्स भी किए हैं, हम उनको अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी होती हैं. देन आई एम अ फैकल्टी मेंबर इन NIND, जो हम बडिंग डाइटिशियंस हैं उनके लिए सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर कोर्सेज भी कराते हैं. आई एम अ फैकल्टी मेंबर इन इंटरनेशनल योगा अलायंस टू, वहाँ पे भी मैं न्यूट्रिशन क्लासेस ले रही हूँ. या एंड आई स्पेशल डायबिटीज एंड PCOD. Yes, it's a very wonderful journey. आज हम आपके साथ बात करेंगे during whole pregnancy, what is the nutrition of food, importance of foods and nutrition. तो सबसे पहले हमारे साथ आज शेयर कीजिए कि during pregnancy कौन से ऐसे nutrients रहते हैं जो काफी critical होते हैं moms के लिए भी और fetus के लिए. See, suggesting anything for during pregnancy, I would suggest कि जो हम डाइट लेते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, दैट इज ऑल्सो ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंट. होता क्या है, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग आर वेन वी वर इन टीन एज, या हम बिफोर प्रेगनेंसी का ध्यान नहीं रखते. वी आर ईटिंग ऑल काइंड ऑफ जंक फूड और प्रोसेस फूड ले रहे हैं, एंड देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें लगता है कि उन 9 months में अगर हमने अच्छी डाइट ली थी तो दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आर चाइल्ड्स हेल्थ. लेकिन ऐसा नहीं होता. हमारी न्यूट्रिशन है, जो भी हम खा रहे हैं, जैसा हमारा एक्सरसाइज शेड्यूल है, बोथ मदर एंड फादर
जो उनका पहले का रहता है उसी से हमारा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काफी चीजें इफेक्ट होती हैं. ओके, सो नंबर वन पॉइंट शुड बी योर न्यूट्रिशन बिफोर कंसेप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है. नाउ कमिंग टू प्रेगनेंसी, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे लोग बोलते हैं नाउ यू आर प्रेग्नेंट तो यू हैव टू ईट फॉर टू, ऐसा नहीं होता. हम ज्यादा कैलोरीज लेने लग जाते हैं, ये भी खा लूं वो भी खा लूं कि मैं बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट मुझे ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी चाहिए. बट अगेन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग कैलोरीज एम्प्टी कैलोरीज. अगर हमें ये लगता है कि हमें अपना खाना बढ़ा देना चाहिए, दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट. हमें अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है कि वेदर वी आर ईटिंग. अगर मैं एक पैकेट ऑफ चिप्स खा रही हूँ विच इज प्रोवाइडिंग मी 500 कैलोरीज, और मैं दो एप्पल खा रही हूँ जिससे मुझे सिर्फ 160 कैलोरीज मिल रही है, लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करती हूँ तो न्यूट्रिशन ऑफ एप्पल इज मच मोर एज कम्पेयर टू चिप्स. लेकिन हमें ये लगता है कि नाउ वी आर फ्री टू ईट एनीथिंग, कि अब तो हम प्रेग्नेंट हैं हम कुछ भी खा सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द नंबर वन मिथ. सेकेंड इज कि एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज का इंटेक नहीं करना. इफ यू आर ओवरवेट देन योर डाइटिशियन और डॉक्टर वुड हेल्प यू टू मेंटेन, कि आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है देन इट इज गोइंग टू हार्म जब आपका ड्यूरिंग ये डिलीवरी, तब आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है. सो कैलोरी वाइज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करना. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर आयरन, फोलेट, वाइटामिन डी, कैल्शियम, जिंक एंड प्रोटीन्स ऑब्वियसली, बिकॉज प्रोटीन्स तो इंडियन डाइट में डेफिशिएंसी है ही हमारी. एंड व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, जब हमारे आते हैं पेशेंट्स एंड दे से मैम आई एम टेकिंग मतलब अ प्रोटीन रिच डाइट, उसमें क्या है, शी इज टेकिंग दाल ट्वाइस अ डे. नाउ इफ वुमेन इज प्रेग्नेंट और वो 65 kg की है तो उसको 65 ग्राम प्रोटीन तो वैसे ही चाहिए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी नीड्स 25 ग्राम मोर ऑफ प्रोटीन, और दो कटोरी दाल से हार्डली अगर एक कटोरी में हम 7 to 8 ग्राम प्रोटीन लेके चलते हैं तो उसको 15-16 ग्राम मिल रहा है. नाउ रेस्ट ऑफ द प्रोटीन कहाँ से आएगा, शी विल बी टेकिंग प्रोटीन पाउडर्स. ठीक है, प्रोटीन पाउडर्स एक चीज होती है कि हम ले रहे हैं, वी आर ईटिंग, लेकिन हाउ मच आर बॉडी इज एब्सॉर्बिंग दैट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल, है ना. अभी हम कोई भी डाइट लेते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं मैक्रोज इतने हैं माइक्रोज इतने हैं, बट हम अपनी गट हेल्थ पे ध्यान नहीं देते. एवरीवन इज सजेस्टिंग कि फोलिक एसिड खाओ, आंवला खाओ, बीटरूट खाओ, बट इफ योर गट इज नॉट हेल्दी, इट इज नॉट एब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दैट डाइट, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ गट. क्योंकि प्रेगनेंसी में यूजुअली होता है कि नॉजियाटिक फीलिंग है, वोमिटिंग आ रही है, हमारा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, तो लगता है चलो कुछ तो खाना है तो बाहर का ही कुछ खा लेते हैं. तो ये चीजें हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं, राइट. वेरी ट्रू. सो या वेल बैलेंस्ड डाइट कंटेनिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स, जिंक, वाइटामिन डी, कैल्शियम एंड प्रोटीन्स आर वेरी एसेंशियल. अपार्ट फ्रॉम इट हाइड्रेशन, क्योंकि में कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन, इवन यूटीआई भी हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच कैन हार्म द फीटस इनसाइड. सो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी देयर सो दैट आपके जितने टॉक्सिन्स हैं बॉडी के दे आर गेटिंग फ्लश्ड आउट. एंड जितना कॉन्स्टिपेशन रहेगा, इफ द वुमेन इज एक्सर्टिंग प्रेशर, तो कई बार हमने देखा है, आई हैव सीन 2-3 केसेस जहां पे इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड थी लेडी, व्हेन शी वेंट टू वॉशरूम जो बेबी था वो उसी टाइम बाहर आ गया. सो दिस वेरी, ये बहुत डेंजरस है. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इसको हम इतना लाइटली नहीं ले सकते. सो वाटर इनटेक इज ऑल्सो वेरी असेंशियल अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज फोलिक एसिड टैबलेट्स एंड एवरीथिंग. काफी सारी मान्यता तो होती है कि हम इतने इतना तो पानी हम पी रहे हैं, काफी है, पानी नहीं पिया जा सकता है, पड़ता है तो उसकी वजह से भी काफी बार जो होती है वो पानी अवॉइड करते नहीं, वॉशरूम जाने के लिए कंटाला आता है, काफी पानी पी लिया, क्या है बात. ये छोटी छोटी चीज होती है पर इट प्लेज अ बिग रोल. तो वो काफी छोटी छोटी चीजें भी हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान में रखनी होती है. और ये बात आपने बहुत अच्छा किया जो आपने हमारे साथ शेयर
प्लानिंग करते हैं, जब हम प्लानिंग एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं, वो था राइट रेडी योर पेरेंट, तो वो टाइम पे भी उनको न्यूट्रिशन हेल्दी फूड खाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो वो टाइम पे कंडीशन रहेगी, जो हमारे फॉलिकल्स बनते हैं, अगर फादर की बात करें तो उनके जो स्पर्म काउंट्स बनते हैं, तो वो सभी मैटर करता है कि हम कितनी हेल्दी स्टाइल हमारी है, उसमें हम कितना हेल्दी फूड इंटेक करते हैं, कितनी नींद है हमारी, बिकॉज स्लीप जो हम बोलते हैं वो भी इतनी ही जरूरी है. तो एग्जैक्टली ऑल थिंग्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब प्रेगनेंसी प्लानिंग की भी बात आए. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पहले ये बात हमारे साथ शेयर की. होता है कि पीपल प्रेग्नेंट वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट, लेकिन 9 मंथ्स तक बेबी को अपने वूम में रखना, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इफ द क्वालिटी ऑफ एग इज नॉट गुड, अगर हमने पहले खाना ठीक से नहीं खाया, हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, देन इट इम्पैक्ट्स द क्वालिटी. और उसके बाद 9 मंथ्स में जो हम उनको हमें अब उस फीटस को अपने अंदर रखना है, तो उसके लिए बॉडी शुड बी नरिश्ड एंड स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, तभी हम उसको पूरा 9 मंथ्स तक सस्टेन कर सकेंगे. बिकॉज दीज डेज वी आर सीइंग अ लार्ज नंबर ऑफ मिसकैरेजेस, बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल. रीजन ही यही है, बिकॉज हमारी बॉडी अंदर से स्ट्रांग नहीं है. True, ओके true. हम गायने के पास भी जाते बोलते हैं कि यू हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट. रेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि देखे हो, पर गुड अमाउंट ऑफ स्लीप. जब खाने की बात आए तो थोड़ा जंक, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू नो, बट एटलीस्ट हम वीक में 5 दिन खाते हैं, तो उसमें दो बार तो कर ही सकते हैं. उसके बिल्कुल साथ में बाहर खाते हैं तो हम हेल्दी फूड खाते हैं वो भी उतना ही मैटर करता है. एंड रेगुलरली देखने जाए तो स्ट्रेस, डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं सब कंसीव नहीं होता है, तो जब मॉम्स टू बी मॉम्स जो प्लानिंग करते हैं वो हमेशा पूछती है कि सारे रिपोर्ट्स क्या है जो हमें कंसीव नहीं. स्ट्रेस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो फादर की बात आए चाहे मॉम की बात आए. तो वो टाइम से जब हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि पार्टनर का सपोर्ट होना चाहिए, का सपोर्ट होना चाहिए, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो तो इम्पोर्टेंट है, पर जब हम प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तब भी हमारे सराउंडिंग एरिया जो होता है, चाहे फैमिली की बात हो, हम बाहर जाते हैं तो बी माई पीपल, तो वहां पे भी हमें एक सराउंडिंग स्पीयर हमारे आसपास में क्रिएट करता है, क्योंकि वो आउटर बॉडी और इनर का एक पार्ट रहता है, तो वो दोनों ही हेल्दी होने चाहिए. एंड देन इट ऑल्सो आई हैव सीन कुछ ऐसी लेडीज होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे आर वेरी मच वरीड अबाउट देयर वेट एंड फिगर. ठीक है, अब अगर आप हर टाइम खाना खा रहे हो बट यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि इसको खा के मेरा वेट बढ़ जाएगा, देन इट इज नो नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर बॉडी इन अ पॉजिटिव वे. हम बोलते हैं अच्छा खाना खा रहे हो बट जिस माहौल में खा रहे हो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर हेल्थ. अगर आप हाँ हमेशा हो, एंशियस हो, इस चीज डर के खा रहे हो कि मैं मोटी हो जाऊंगी या पता नहीं क्या होगा, बिकॉज वी हैव सो मच इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया. ठीक है, तो हम वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वी आर ऑलवेज मतलब काउंटिंग कैलोरीज, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन. और जब तक हम खाने से डरते रहेंगे तो बीमारियां बढ़ती रहेंगी, क्योंकि जी ऑब्वियस इम्पैक्ट्स आर हेल्थ. ठीक है, सो क्योंकि ये होता है वी ओनली फोकस ऑन आर फिजिकल अपियरेंस कि मैं बाहर से कैसी दिख रही हूँ, मेरी स्किन कैसी लग रही है, मेरा वेट वेइंग मशीन पे कितना है, बट वी फॉरगेट कि हमारी बॉडी में देर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, एंड वो किस किस उनका क्या फ्यूल है. फ्यूल इज द फूड वी आर ईटिंग. अगर वो खाना ही हम ठीक से नहीं देंगे, इट्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ मर्सिडीज लेकिन आप उसमें पेट्रोल नहीं डाल रहे, तो मर्सिडीज कैसे चलेगी. मर्सिडीज तो फिर भी मशीन है, ह्यूमन बॉडी तो बहुत ज्यादा क्या कीमती है उससे. जी राइट, तो वी टेक केयर ऑफ आर यस बॉडी. यस तो हमारे साथ वो भी शेयर कीजिएगा कि अगर मदर
न्यूट्रिएंट्स वाला फूड नहीं खाती है तो वो टाइम पे मदर पे और फिटस पे क्या इम्पैक्ट होता है? अगर हम मदर इज नॉट टेकिंग अ डाइट विच इज रिच इन कैल्शियम, मोस्टली क्या होता है कि इस टाइम मिल्क नहीं ले रहे या सेसेमे सीड्स नहीं ले रहे. देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अपार्ट फ्रॉम मिल्क, बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, बट हम ड्यू टू आर पर्सनल चॉइसेस या हमारी कुछ ऐसी प्रेफरेंसेस होती हैं या कुछ मिथ्स होते हैं कि हम कैल्शियम पूरा नहीं ले पा रहे, तो उसकी वजह से जो न्यू बॉर्न बेबी है, इफ मदर इज डेफिशिएंट इन कैल्शियम तो न्यू बॉर्न बेबी कैन हैव हाई ब्लड प्रेशर. ये इतना डेंजरस हो सकता है. वी ऑल नो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी से वीक बोन्स हो जाएंगी, टीथ फॉर्मेशन नहीं होगा. प्लस समटाइम्स ये देखा गया है कि फीटस को अगर कैल्शियम रिक्वायरमेंट है वो तो मदर से लेगा ही लेगा, वेदर द वुमेन इज टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम थ्रू डाइट और नॉट. उसका क्या ड्रॉबैक होता है आफ्टर डिलीवरी, वी हैव सीन कि एवरी वुमेन इज कंप्लेनिंग अबाउट बैक पेन. मेरे को बैक पेन रहता है, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, वो इसीलिए है कि ऑलरेडी यू आर डेफिशिएंट इन कैल्शियम, लेकिन फीटस को तो अपनी बोन्स एंड उस जो भी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब आप जी और ज्यादा हो गए एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि आपका वेट बढ़ गया है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अ हेल्दी डाइट आपने क्रैश डाइट स्टार्ट कर दी. सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल. ऑलरेडी यू आर डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद आप फिर से क्रैश डाइट कर रहे हो, उससे बीमारी और बढ़ रही है. ये तो हो गया कैल्शियम का. देन इफ अ वुमेन इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन एंड फोलेट तो शी कैन हैव अनीमिया, एंड वी ऑल नो इंडिया में मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर अनीमिक, राइट? तो अनीमिया की वजह से कई बार ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ्स भी होती है बिकॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, और इफ अ वुमेन इज एनीमिक तो वी हैव सीन डेथ्स ऑल्सो. बच्चे में क्या इफेक्ट आता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता, ही कैन बी मेंटली रिटार्डेड. तो अगर मदर की डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन एंड फोलेट नहीं है तो चाइल्ड कैन बी मेंटली रिटार्डेड. अगर उसकी मदर इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स तो बच्चे की इम्यूनिटी वो करेगी, इम्पैक्ट होगी. लाइक इन कोविड, ड्यूरिंग कोविड सीजन वी हैव सीन कि एवरीवन वाज सो पर्टिकुलर अबाउट इम्यूनिटी, हम क्या खा रहे हैं क्या. बट लेट मी टेल यू, इम्यूनिटी इज नॉट बिल्ड इन फ्यू मंथ्स और वीक्स. जी इम्यूनिटी तब यस से हो जाती है व्हेन वी आर इनसाइड आर मदर्स वूम. वो क्या खा रही है तब हमारे टी लिम्फोसाइट्स एंड जो दूसरे इम्यून सेल्स हैं वो तब से बनने शुरू हो जाते हैं. एंड इम्यून सेल्स आर मेजरली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. तो अगर मदर इज नॉट टेकिंग प्रोटीन्स इन द डाइट, वहीं से बच्चे की इम्यूनिटी इम्पैक्ट होनी स्टार्ट हो गई, विच वी आर सीइंग दीज डेज कि जो बच्चे हैं दे आर उनमें एस्थमा आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. रीजन यही है, बिकॉज डाइट ऑफ मदर्स इज नॉट गुड. ठीक है, तो ये इम्यूनिटी पे इतना इम्पैक्ट आता है. अगेन इफ द मदर इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जिंक तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ऑक्सीजन इनटेक कम हो सकता है, आयरन अगर कम है अगेन, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट? एंड आयरन हैज जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका क्या फंक्शन है, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल द ऑर्गन्स एंड सेल्स ऑफ द बॉडी. नाउ इफ अ वुमेन इज डेफिशियंट इन हीमोग्लोबिन, अगर उसका वो ठीक से आयरन नहीं ले रही तो बॉडी में और बच्चे में, क्योंकि द फीटस इज वो पूरा डिपेंडेंट है ऑन द मॉम फॉर ऑक्सीजन एंड इनटेक. ठीक है, अगर एच बी कम है तो ऑब्वियसली बेबी को भी आपके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट हिज ग्रोथ. वी हैव सीन लो बर्थ वेट बेबीज, कई बार ये होता है दे आर बॉर्न विद अ वेरी लार्ज हेड, ठीक है, या इतना वेट होता है, या प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है, या वेन अ बेबी इज बॉर्न वो स्टार्टिंग से ही बीमार रहता है, इम्यूनिटी सही नहीं है, गट इश्यूज है. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू डाइट विच अ वुमेन टेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये बहुत जरूरी है. अगेन वाइटामिन डी डेफिशियंसी है अगर मदर में तो बच्चे में वीक बोन्स हो सकती है, रिकेट्स हो सकता है, उसकी बोन फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगी, हाइट उसकी बाद में ठीक से नहीं बढ़ेगी. सो ऑल दीज थिंग्स. एंड एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि
वुमेन इज प्रेग्नेंट और उस फीटस का व्हाट शी इज ईटिंग, वो जो जीन्स हैं वो बच्चे में जा रहे हैं एंड दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द कमिंग जनरेशन ऑल्सो. सो वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर सेल्स. अगर हम चाहते हैं हमारे ग्रैंड चिल्ड्रेन भी हेल्दी रहे, हमारे बच्चों के बच्चे भी हेल्दी रहे, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स ड्यूरिंग एंड बिफोर प्रेगनेंसी. ठीक है, इट इज नॉट मेरा बच्चा ही ऐसा रहेगा, मेरी जो थॉट प्रोसेस मेरी होगी. तभी बोलते हैं कि इसकी हैबिट इसके दादा पे गई है या किसी और पे. वो कैसे होता है, वो ऐसे ही होते हैं, जीन्स ट्रांसफर होते हैं. सो मदर्स हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स. व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर ईटिंग, हाउ दे आर बिहेविंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट द चाइल्ड एंड द फ्यूचर जनरेशंस. अभी बीच में ही एक कस्टमर के साथ मेरी बात हो रही थी. शी इज लाइक मैम, मेरे बेटे के भी अपनी टेढ़ी हो गई है, लेग्स क्रॉस हो गए. तो शी इज लाइक डॉक्टर ने बोला कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है. तो आई आस्क हर कि डॉक्टर्स जो बेबी के लिए D3 के जो देते हैं वो आप देते हो? तो शी इज लाइक कि यस वो हम देते हैं, पर उन्होंने नहीं लिए. हर प्रेगनेंसी तो ऐसा था कि इतना डॉक्टर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो लेने की क्या जरूरत है. तो आई आस्क्ड हर कि आपने ली थी? तो शी कि नहीं मैंने नहीं ली थी. तो वो पूरा इम्पैक्ट आता है बेबी, अगर बिल्कुल मम्मा आप नहीं ली तो वो बेबी को होने ही वाला है. बेबी बाहर बाद में आप जो भी कर रहे हो वो बेबी के लिए कर रहे हो, पर बेबी जब रहता है तो वो सबसे ज्यादा सिक्योर भी तभी होता है, जैसा आपने बोला इम्यूनिटी वहां से ही ज्यादा बनती है बेबी की. तो वो सबसे पहले मॉम को खुद का ध्यान रखना होता है, पर साथ में का भी तब से ध्यान रखना शुरू होता है कि जो मैं लूंगी मेरे में से ही बेबी सारे न्यूट्रिएंट्स जाने वाले हैं. हैबिट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। या डेफिनेटली, यस यस. तो आज हम डेफिशिएंसी के भी बात के बहुत न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करें तो वो कौन कौन सी डेफिशिएंसी बहुत मेजर हो जाती है, वो कॉम्प्लिकेशंस में भी टर्न हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखो डेफिशिएंसीज और कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं हम। डेफिशिएंसी में जैसे मैंने बोला अनीमिया होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी जिसकी वजह से बैक पेन और बोन्स में दिक्कत आती है, हेयर फॉल होता है। उसके अलावा इफ द वुमेन इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम होता है फ्रूट्स में, ठीक है, तो उसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। एंड अगर आपका बिल्कुल लास्ट स्टेज पे बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन करना पड़ता है। सो द बी वेरी केयरफुल कि उसके सोडियम पोटेशियम का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी नहीं होना चाहिए बॉडी में, क्योंकि ड्यूरिंग दिस थिंग वी क्रेव फॉर समथिंग सॉल्टी, कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन करता है, तो उस चीज में हम क्या करते हैं, हम बाहर का ज्यादा खाने लग जाते हैं। एंड सिंस एक्सरसाइजिंग कई बार कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो एडेमा बढ़ जाता है। एडेमा मींस कि वाटर होल्ड हो रहा है बॉडी में, स्वेलिंग हो गई है, बीपी बढ़ गया, एंड इस कंडीशन में देन द डॉक्टर हैज टू गो फॉर सिजेरियन, ठीक है, ये हो। उसके अलावा जो चीज हम बहुत कॉमन देख रहे हैं आजकल, अभी कल भी मेरे पास एक पेशेंट का फोन आया, शी डेवलप्ड जेस्टेशनल डायबिटीज। नाउ व्हाट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, उसके साथ ये प्रॉब्लम था कि उसको मैं पहले से समझा रही थी कि योर शुगर लेवल्स आर ऑन द हायर साइड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ जब आप प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा ना हो कि उस टाइम शुगर लेवल्स हाई रहे जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होंगी। नाउ जेस्टेशनल डायबिटीज मींस जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और उस ड्यूरेशन में हमें डायबिटीज हो जाती है, वी हैव हाई ब्लड शुगर लेवल्स, तो दिस थिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस फॉर द चाइल्ड टू, क्योंकि मिस कैरेजेस का इसमें चांसेस बहुत रहते हैं और बेबी पे काफी इम्पैक्ट होता है। एंड दीज काइंड ऑफ मदर्स आर उनका ये रहता है कि इन कमिंग 5 to 6 months दे'ल डेवलप टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, और अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज है तो ऑब्वियसली जो चाइल्ड होगा आफ्टर व्हेन ही इज बॉर्न, तो 3-4 साल बाद ऐसे बच्चों में देखा गया कि उनके शुगर लेवल्स भी हाई आते हैं एंड दे आर वेरी ओबीज, दे आर ऑन द ओबीज साइड। अब अगर वो ओबीज है, दे हैव हाई साइटोकाइंस इन देयर ब्लड,
हाई साइटोकाइंस का मतलब होता है दे हैव इन्फ्लेमेशन इन द ब्लड। और हम इंडियंस बोलते हैं कि बच्चा चबी है तो खाते पीते घर की निशानी है, बट आजकल ऐसा नहीं होता, बिकॉज जो बच्चे हैं दे आर नॉट प्लेइंग, उनका सारा दिन बैठने में जा रहा है। सो ऐसे बच्चों में मतलब 9 to 10 years में ही हाई बीपी, प्री डायबिटीज, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। इवन फैटी लिवर भी देखा गया 9 से 10 साल के बच्चों में। डायबिटीज शुड बी टेकन केयर ऑफ, उसमें हमें मदर को बहुत ज्यादा ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि देर आर वेरियस मिथ्स। लाइक मेरे पेशेंट थी एक, हॉस्पिटल में आई थी, व्हाट शी वाज डूइंग, वो किसी ऐप से जो भी खाती थी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करके खा रही थी। नाउ दीज ऐप्स और एनी इंफॉर्मेशन विच इज ऑन सोशल मीडिया, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश कि कौन सी करेक्ट है एंड विच इज ऑथेंटिक एंड विच इज नॉट। वी कैन नो कि ठीक है ये, लाइक आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ रागी। एवरी वन सेज रागी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, मिलेट है, हर कोई वीट छोड़ के रागी पे स्विच ऑन हो गया, बट रागी हैज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ 84। इट इंक्रीजेस योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। तो जरूरी नहीं है कि रागी अगर मुझे सूट कर रही है तो आपको भी करेगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ डिटिशियन और डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करेंगे। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, देन पीपल आर हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट जूसेस इन देयर डाइट, कि प्रेगनेंसी है, वीकनेस आ जाती है, एंड दिस लेडी गर्मी है बिकॉज इन नॉर्थ इंडिया इट्स वेरी हॉट, शी वॉज हैविंग ग्लूकोज। उसको जब भी गर्मी लगती वो 2 चम्मच ग्लूकोज डालती पानी में और वो पी जाती। दिस रिजल्टेड इन हर HbA1c इतना शूट कर गया कि मतलब वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसका अबॉर्शन करना पड़ा। लेवल्स इतने हाई थे, शी वॉज इन फोर्थ मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी। सो अगर हम अब छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते, ग्लूकोज इज वेरी गुड, लेकिन किसके लिए? छोटे बच्चों के लिए, या जो क्रिटिकली इल है, या स्पोर्ट्स पर्सन है। इट इज नॉट गुड फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी। हमने पढ़ लिया कि ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी, तो 3 4 बार लेने लग गए, फ्रूट जूसेस, मौसमी का जूस पिया, अनार का जूस पिया, शी वॉज नॉट ईटिंग एनी थिंग बट वो जूसेस और ये ले रही थी, उसका क्या नतीजा? एंड शी वॉज नॉट एट ऑल ऑन द हेवियर साइड, बहुत पतली थी, शी वॉज 5'2" एंड उसका वेट, उनका वेट 55 kgs था, तो आइडल बॉडी हाँ वेट में था। यस, ऐसा नहीं था। तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि व्हाट वी कॉल स्लिम ओबिसिटी, एक न्यू टर्म आई है स्लिम ओबिसिटी, देर आर मेनी पीपल हु आर ऑन देयर आइडल बॉडी वेट, लेकिन इंटरनली देयर मेटाबॉलिक हेल्थ इज नॉट गुड। तो हमें ये नहीं सोचना कि अगर मैं पतली दिख रही हूं तो अंदर भी सब ठीक है। दीज डेज ड्यू या टू पॉल्यूशन, लैक ऑफ स्ट्रेस, सो मेनी सप्लीमेंट्स, लैक ऑफ जो न्यूट्रिशन 20 साल पहले गेहूं में था वो न्यूट्रिशन अब नहीं है, है ना? तो ये चीजें हम इन पे कुछ नहीं कर सकते, तो वी नीड टू बी केयरफुल कि व्हाट वी आर ईटिंग। इसलिए डायबिटीज के लिए तो बहुत, एंड अगेन हाइपरटेंशन इज अ सीन इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसका मैंने बताया उसकी बहुत प्रॉब्लम्स फेस होती है। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, इट इज सजेस्टेड, ठीक है, बट रेगुलर एक्सरसाइज में इफ अ यू टेक योर डॉक्टर्स परमिशन फर्स्ट, इफ शी आस्क यू टू गो फॉर वॉक तब आपने वॉक करनी है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आपने वॉक नहीं करनी, आपने इन दिनों में रेस्ट करना है, तो यू नीड टू टेक रेस्ट। बट जो ट्रेंड मैं आजकल देख रही हूँ, गर्ल्स आर नॉट हेल्दियर फ्रॉम इनसाइड, सही उसकी मोस्टली दे आर ऑन बेड रेस्ट फॉर होल 9 मंथ। तो होता क्या है, 9 मंथ्स तक अगर आप बेड रेस्ट पे हो तो ऑब्वियसली आपका वेट भी बढ़ेगा, हाई वेट, अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मदर का, अगेन कॉम्प्लिकेशंस होती है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो इसके लिए आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए विच हैज हेल्दी बैलेंस, मतलब सब कुछ होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजीज शुड बी देयर, सोयाबीन आप खाओ प्रोटीन के लिए, अगर आप नॉनवेज लेते हो तो यू कैन हैव एग वाइट्स, एग योक, 2 योक्स पर डे कैन बी टेकन, उसमें कोई नुकसान नहीं है, सफिशियंट अमाउंट ऑफ नट्स। लेकिन अब नट्स में ये आ जाता है कि कई बार हम बहुत ज्यादा कर देते हैं बिकॉज दे आर हेल्दी, तो मेरे को रात को भूख लगी, मैंने मुट्ठी भर, आई टेल यू, एक देर वॉज अ पेशेंट, उसने पूरा मुट्ठी भर के, शी हैड फ्लैक्स सीड्स, एंड फ्लैक्स सीड्स की वजह से उसके पूरे स्किन पे रैशेज हो गए, एंड हाँ शी स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई थी।
सो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड. आपने जो सोशल मीडिया पे देखा, पहले उसको कंफर्म करो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन चेक करो, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इट आई लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्योंकि एसिडिटी बहुत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो बट वुमेन वो बोलते मैंने लिमका पी ली ताकि मेरा थोड़ा सा इजी हो जाए. बट दीज थिंग्स आर एक्सट्रैक्टिंग कैल्शियम फ्रॉम योर बोन्स. अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा चाय ले रहे हो, मेरा खाना खाने का मन नहीं किया, मेरे को सुबह उठ के वोमिट होता है, मैंने चाय और रस ले ली, थोड़ी देर बाद फिर चाय ले ली, तो ये जो एक्सेस ऑफ टी है, वेदर इट इज व्हाइट टी, ग्रीन टी या नॉर्मल टी, हम कुछ भी ले रहे हैं, इट इज एक्सट्रैक्टिंग आयरन फ्रॉम योर बोन्स. तो इन चीजों का हमें ध्यान करना पड़ता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इट ऑब्वियसली ऑल द जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, ये हमें अवॉइड करने हैं. जितना मिनिमम इनटेक इसका होगा, दीज डेज अगर आपने देखा हो कि बच्चों में स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है, एक्जेमा, सिरोसिस, रोजेशिया, दे हैव लॉट्स ऑफ एक्ने, वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज एज अ मदर, जब हम अपने टीनेज में थे या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब हमें खाना खाने का मन नहीं किया, तो हमने पैकेज फूड्स बहुत खाए हैं. नाउ इफ यू लुक एट द पैकेज, उसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखो, देर आर प्लेंटी ऑफ केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव. और अगर आप डेली भी ले रहे हो तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, उसमें स्किन इश्यूज भी आते हैं एंड बच्चे में रेस्टलेसनेस बढ़ती है. आजकल हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं. वी ऑलवेज ब्लेम कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल ऐसा है. वो बच्चे में वो चीज कहाँ से आई है? बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने बहुत ज्यादा क्रीम बिस्किट्स खाए हैं, मैंने बहुत ज्यादा वॉफल्स एंड चॉकलेट्स खाई हैं. जब हम हाई शुगर इंटेक लेते हैं तो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं बाद में, ठीक है. तो दिस इज द बोल सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है व्हाट वी आर ईटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे क्या पड़ता है. एंड देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग द किड, एंड फिर उस बच्चे को भी वो हैबिट है चॉकलेट्स खाने की, देन वी आर आफ्टर हिज लाइफ कि नहीं आपके लिए हेल्दी नहीं है. बट वो शुरुआत कहाँ से हुई है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. वेजीज नहीं खा रहे. आई गिव यू माई एग्जाम्पल, मेरे को वेन माई डॉटर वॉज अबाउट टू बी बॉर्न, मुझे सांभर बहुत अच्छा लगता था. एंड नाउ शी इज सो फॉन्ड ऑफ सांभर. और जो दाल मैंने नहीं खाई, आई वॉज एलर्जिक टू वन दाल, वो आज तक मेरी बेटी नहीं खाती है, उससे नहीं खाई जाती, क्योंकि मैंने बिल्कुल येलो दाल से, अरहर दाल से मुझे स्मेल आती थी. सो वो चीजें बहुत इम्पैक्ट करती है. इट इज नॉट कि बड़ों ने बोला और हमने ऐसी मान लिया, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन. अगर आप में कोई क्वालिटी है, इफ यू आर इंटू एक्सरसाइजिंग, तो बच्चा भी, 80% चांसेस है कि बच्चा भी होगा फिटनेस में, ठीक है. सो नॉट नॉट ओनली द डाइट, योर थॉट्स, योर एक्सरसाइज शेड्यूल, एवरीथिंग, जब आप प्रेग्नेंट होते हो उसका बहुत ध्यान रखना है, सो दैट वो चीजें बच्चे पे इम्पैक्ट करती. जी ये ट्रू. यस, तो काफी हम मॉम्स के और बच्चों की भी जब बात करें तो चीज आई हैड अ वर्ड सो मेनी मॉम्स डेली बेसिस पे जब बात करते मेरा कन्वर्सेशन रहता है, तो वन कॉम्प्लिकेशन, मेरा बेबी गोलू मोलू. यस, आई विल टेल यू. इफ माय डॉटर वेंट टू सम फ्रेंड्स हाउस और उसकी मदर ने बोला कि आप इतने पतले हो, आपकी मम्मी आपको खाना नहीं देती. शी इज ऑन हर आइडल बॉडी वेट. शी इज 5'4". उस 47 to 48 के बीच में वेट फ्लक्चुएट होता है. एंड व्हेन यू लुक एट हर डॉटर, शी वाज आल्सो अंडरवेट. उसकी मदर ने बचपन में, क्योंकि वी आर ऑब्सेस्ड कि हमारा बच्चा मोटा होना चाहिए, गोलू मोलू होना चाहिए, उसको इतने टॉनिक्स पिला दिए एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोटीन पाउडर कि नाउ शी इज ऑन द हेवियर साइड. एंड अब उसका वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल हो गया है. नाउ वट शी इज डूइंग, शी इज कंट्रोलिंग हर डाइट. वो उसको खाना नहीं दे रही है, शी इज स्किपिंग द चपातीज कि अब तेरा वेट बढ़ गया है. सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ अ चाइल्ड इज हेल्दी, वो अच्छे से खा रहा है, उसको कोई द चाइल्ड इज वेरी एक्टिव अकॉर्डिंग टू द एज, उसको कोई बीमारी नहीं है, अच्छे से सो रहा है, मोशंस ठीक आ रहे हैं, देन वी शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड विद दिस वेट. एज आई टोल्ड यू कि स्लिम ओबेसिटी भी है, ठीक है. ऊपर से आप अच्छे दिख रहे हो, अंदर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ नहीं पता. ऐसे ही
आपका वेट ज्यादा है तो हो सकता है अंदर से आपको फैटी लिवर हो, बच्चों में आजकल फैटी लिवर बहुत आ रहा है बिकॉज मदर्स आर, मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, चलो रोटी नहीं खाई तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट दे दिया, बट इससे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक डिजीजेज आर इंक्रीजिंग, रीजन बीइंग सिडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल बहुत है। देन वी हैव कंफर्ट फूड, कंफर्ट फूड ऐसे कि पहले व्हेन वी वर किड्स 1 महीने में 2 महीने में एक बार मैगी बनती थी, जो घर में बना है वी हैव टू ईट। अभी क्या है, ये सब्जी अच्छी नहीं लगी, अच्छा चलो जोमेटो से ऑर्डर कर लिया, या इवन अगर आप किसी कोचिंग सेंटर के बाहर जाओ देन यू विल सी कि वहां पे कितने सारे वेंडर्स हैं, बच्चे कोचिंग क्लास से उतरते हैं एंड देन दे गो टू दोज वेंडर्स एंड दे हैव चिली हनी पोटेटो एंड बर्गर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड एंड घर जाके दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग। सो ऑल दीज थिंग्स आर लीडिंग टू वेरियस डिजीजेस। तो अगर आपका बच्चा ठीक है, यू नीड नॉट टू बी ऑब्सेस्ड, वो खेल रहा है, वो ठीक से सो रहा है, उसकी स्किन क्लीन है, उसका ब्रेन ठीक है, मीन्स ही इज एबल टू परफॉर्म वेल इन द स्टडीज, तो फिर डू नॉट वरी अबाउट द वेट। वेट से कोई इतना बड़ा वो नहीं होता, जैसे जैसे एज आएगी अपने आप सब नॉर्मल हो जाता है। वेरी ट्रू। तो हम आज ये भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 5 फूड ग्रुप्स, जब हम 5 फूड ग्रुप्स की बात करें तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी। फूड ग्रुप्स, ओके, सो एज आई टोल्ड यू एवरी फूड ग्रुप हैज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन और रोल टू प्ले। इफ अ वुमेन इज फोकसिंग ओनली ऑन प्रोटीन्स एंड शी इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्ब्स, तो उससे क्या होगा, प्रोटीन्स आर गेटिंग वेस्टेड, बिकॉज हमारी बॉडी को सबसे पहले चाहिए ग्लूकोज, फ्यूल चाहिए टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज जो सेल्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो समटाइम्स वी गो ऑन वेरियस, हमने सुना कि प्रोटीन बहुत जरूरी है तो हम कार्ब्स को साइड में कर देंगे, मैं रोटी कम खा लूंगी, आई हैव मोर ऑफ प्रोटीन्स। तो अब उससे क्या हो रहा है, जो कार्ब्स का काम है वो प्रोटीन्स करने लग जाएंगे। सो देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस ऑफ दीज, ठीक है, ये होगा, होगी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात। नाउ कमिंग टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिसपे हम फोकस नहीं करते क्योंकि हमें पता है इफ वी विल बी डेफिशिएंट इन मैग्नीशियम हम एक टैबलेट ले सकते हैं, अगर आयरन कम है तो हम उसकी टैबलेट ले लेंगे, सिरप ले लेंगे, बट देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ अ नेचुरल डाइट। अगर ऐसा होता तो भगवान पेड़ों पे आयरन कैप्सूल्स उगा देता, राइट? तो उन्होंने क्यों खाना बनाया है, हम कितने भी सप्लीमेंट्स ले लें, हम कितनी भी दवाइयां ले लें, बट नेचुरल डाइट का कोई तोड़ नहीं है। और ना सप्लीमेंट्स या ऐसी मल्टीविटामिन्स लेने से भी आर गट हेल्थ इज इम्पैक्टेड अगर हम बहुत ज्यादा ये लेते हैं। तो इसीलिए एवरीथिंग, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इफ योर अगर मैं किसी से पूछूं कि प्रेग्नेंट लेडी, या नॉर्मली आपसे पूछूं कि आपने लंच में क्या खाया, व्हाट यू विल से, आई हैड 3 चपातीज, सब्जी एंड सैलेड। अब अगर मैं आई आस्क फॉर द मील पिक, तो चपाती तो होंगी, सब्जी थोड़ी सी होगी एंड सैलेड के नाम पे 2 खीरे या 2 प्याज होंगे। नाउ हमें खाना सब कुछ है, वी डोंट हैव टू डिलीट एनीथिंग, हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू चेंज द प्रोपोर्शन। जब भी हम खाना खा रहे हैं मेक श्योर कि वी आर एडिंग अ प्रोटीन रिच डाइट इन आर मील। जैसे हमने दाल चावल, हमने चावल खाए, दाल ली, तो उसके साथ सब्जी जरूर हो। इफ यू आर हैविंग दाल रोटी सब्जी रोटी, तो उसके साथ यू कैन हैव पनीर और एग्स या बेसन चीला ले लो, सो दैट एवरीथिंग कम्स इन अ प्लेट। सो हाफ ऑफ द प्लेट हम कैसे समझाते हैं पेशेंट्स को, हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विद वेजीज, वेजीज कुक्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, रॉ फॉर्म में, बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या होता है, ज्यादा सैलेड्स खाने से कई बार एसिडिटी एंड ब्लोटिंग होती है, तो वी आस्क देम टू हैव वेजिटेबल्स इन कुक्ड फॉर्म, नहीं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो और जरूरी नहीं है कि यू हैव टू कुक इट सेपरेटली। अब कई बार होता है कि शी इज अ प्रेगनेंट मदर वुमेन, लेकिन शी इज वर्किंग ऑल्सो, अब इतना टाइम नहीं है कि अलग 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 खाना बनाए, तो आर डाइट शुड बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। उनको बोलो कि ठीक है आप आटा गूंद रहे हो, उसी में सब्जी डाल दो, राइस बन रहे हैं उसी में सब्जी डाल दो, और फोकस इज कि आपके अंदर वो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, ठीक है। रायता बना रहे हो उसके अंदर ग्रेट कर दो, जरूरी नहीं है 4 अलग अलग चीजें। तो प्लेट शुड बी हाफ ऑफ द प्लेट इज फिल्ड विद वेजीज,
वन फोर्थ ऑफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आ जाएंगे आपका होल व्हीट, आपके ओट्स हैं, आजकल किनोवा लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, ब्राउन राइस, व्हाइट राइस, कुछ भी आप खा सकते हैं, रागी ले सकते हो. एंड देन रिमेनिंग वन फोर्थ जो है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए. प्रोटीन आ जाएगा दाल से, पनीर से, एग्स हैं, सोयाबीन है, टोफू है, कुछ भी, जो भी आपको चिकन फिश पसंद है. तो अगर आप ऐसे खा रहे हो तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी डाइट ले रहे हैं. ठीक है, ये चीज. अगर आप चाय ले रहे हो, चाय के साथ बॉइल्ड एग्स ले लो. अगर आप पोहा खा रहे हो, सिर्फ पोहा खाओगे, इट वुड इंक्रीज योर ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड शुगर लेवल्स, क्योंकि पोहा राइस फ्लेक्स है. सो मेक श्योर वेन एवर यू आर हैविंग पोहा, 50% उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए सीजनल, 50% पोहा. बट अलॉन्ग विद यू नीड टू टेक अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो उसमें आप पनीर ऐड कर सकते हो, पनीर को पोहा में डाल लो, या रॉ पनीर ले लो, या 1 कप मिल्क ले लो, या फिर यू कैन हैव बॉइल्ड एग्स या बॉइल्ड चना ले लो. तो जब आप ऐसे खाते हो तो आपका ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन जो है इट इज ऑन पॉइंट. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, देन लिटिल या बिट ऑफ रिक्वायर्ड, बस यही होता है. सो फाइव जैसे फूड या साथ पूरा बैलेंस डाइट इज नेसेसरी, डाइट इज द राइट मेन. या यस, यस क्योंकि अब सेशनल डायबिटीज की एक क्लाइंट है, यस्टरडे शी हैड रोटी एंड घिया. ठीक है, उसके बाद उसका ब्लड शुगर वाज ऑन हायर साइड, बिकॉज रोटी एंड घिया में कार्ब्स हैं, फाइबर थोड़ा सा है, देयर इज नो प्रोटीन. अब आज मैंने उनको दिया प्रोटीन, पनीर, अनियन स्टफ, चपाती अलोंग विथ सब्जी, तो उसके बाद शुगर लेवल वाज ऑन द लोअर साइड, बिकॉज पनीर से क्या हुआ, प्रोटीन मिल गया, खाया वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया. एंड हेयर कम्स द रोल ऑफ अ डाइटिशियन, जो आपको ये छोटी छोटी बातें समझाती है. अगेन, इफ यू जी आर टेकिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स अकेले ले रहे हो तो इट माइट इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल. लेकिन व्हाट्स द करेक्ट वे ऑफ हैविंग फ्रूट्स? एक तो खाना खाने के बाद नहीं खाने, विच इज वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन आर इंडियन हाउस होल्ड्स, की खाना खाया उसके बाद आम काट के खा लिया, या पूरी फैमिली बैठी है तब हमने मस्क मेलन, वाटरमेलन खा लिया. व्हेन वी टेक फ्रूट्स ऑन फुल मील, इट राइजेज आर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स. एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ऐसी गलतियां हमसे ना हो. ठीक है, और इसकी वजह से एसिडिटी भी हो सकती है. तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ हैविंग फ्रूट्स? एम्प्टी स्टमक. एम्प्टी स्टमक हम कब होते हैं? ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो टाइम होता है, मिड मॉर्निंग, या इवनिंग और डिनर के बीच का जो टाइम है, उसमें हम लेंगे सीजनल फ्रूट्स, तो इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट. अगेन, इफ अ पेशेंट हैज हाई शुगर लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन वी पेयर द फ्रूट्स विद, वी एडवाइज टू पेयर द फ्रूट्स विद नट्स और सीड्स. अगर आप एक एप्पल ले रहे हो, या आप वाटरमेलन ले रहे हो, या मस्क मेलन, उसके साथ आप 2 टीस्पून पम्पकिन सीड्स ले लेते हो, या 5 से 6 बादाम ले लेते हो, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द मील इज रिड्यूस्ड. दिस इज द वे इन विच वी ईट फूड. अगेन, द ऑर्डर ऑफ द फूड इन विच यू ईट, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर डाइजेशन. अगर आप शुरुआत करते हो सैलेड से, देन यू टेक प्रोटीन, उसके बाद कार्ब्स लेते हो, तो आपका जो इंसुलिन स्पाइक है वो कम होता है. और अगर आप सैलेड सबसे बाद में खा रहे हो, स्टार्टिंग में आपने रोटी चावल खा लिए, उसके बाद प्रोटीन खाया, तो इंसुलिन स्पाइक आपका बढ़ जाएगा. ठीक है, इसकी वजह से एक चीज और होगी कि यू विल फील हंग्री एंड वेट भी बढ़ सकता है, बिकॉज देन इट लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो दीज, और दूसरी बात, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स भी होते हैं. मूड स्विंग्स आर वेरी कॉमन. उसका भी रीजन होता है द फूड यू आर ईटिंग, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स ले रहे हो, वट वुड हैपन, अभी मेरा मूड खराब है, मैंने चॉकलेट ले ली, या मैंने कुछ ऐसा मीठा खा लिया, तो फॉर 60 to 90 मिनट्स मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ होगा, एंड आई विल बी फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड हैप्पी. नाउ जितनी तेजी से मेरा शुगर बढ़ा, उसके बाद वो उतनी ही तेजी से नीचे आएगा, देन अगेन आई विल फील स्टार्ट फीलिंग लो, एंड एंजाइटी लेवल्स बढ़ेंगे. सो इसीलिए नीड टू टेक केयर. अगर आप ऐसे हेल्दी डाइट लेते हो, हेल्दी प्लेट जैसे मैंने अभी समझाया, तो आपके जो फ्लक्चुएशंस इन ब्लड शुगर है ये भी कम हो जाते हैं, एंड देन यू
नॉट क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट, या आपको ऐसा जंक फूड की क्रेविंग नहीं होती. सो ईट इज मैटर्स. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर या ऐसा कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली फर्स्ट टाइम जो उनको अवॉइड करना चाहिए? पाइनएप्पल एंड पपाया, ये देखा गया दे समटाइम्स दे कॉज फॉल्स लेबर पेन्स, तो उसकी वजह से कई हो जाती है. तो इट इज बेस्ट कि हम उनको अवॉइड करें. एंड टू मच ऑफ अगेन टी कॉफी, इवन कई लोगों में तुलसी लीव्स से भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, बिकॉज एनीथिंग हर्बल इज नॉट सेफ. अगर किसी को बोला कि ये सप्लीमेंट ले लो, अश्वगंधा अच्छा है या कुछ भी एक्स वाई जी, वी शुड नॉट टेक दीज सप्लीमेंट्स, बिकॉज उसकी भी एक डोज होती है. एंड दे ऑल्सो, ऐसा नहीं होता कि हर हर्बल चीज सेफ है, ठीक है? तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ती. जी, यस। तो आप हमारे साथ एक चीज शेयर कीजिएगा कि जैसे आपने प्रोटीन की बात की या फॉलेट की बात की, आयरन है, तो थोड़े से रिच सोर्सेस कि ये चारों न्यूट्रिएंट्स फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में रहते हैं, तो थोड़ा सा हमारे साथ आप वो शेयर कर दीजिए। देखो, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में हमारा बेस्ट रहता है एग्स, अगर पेशेंट ले सकते हैं. फिश इज वेरी गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके लिए फिश इज नेसेसरी. अगर हम नहीं लेते, वी आर वेजिटेरियंस, तो वी शुड फोकस ऑन सोयाबीन, टोफू, हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है और दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, हमें ये इंक्लूड करने हैं डाइट में. और एक आयोडीन का बहुत ध्यान रखना है हमें. आयोडीन डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी, ठीक है? बिकॉज आयोडीन इज अ मिनरल विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड. अब होता क्या है, जो मेरे मैंने देखा है मेरे पेशेंट्स के साथ, टू टू थ्री पेशेंट्स ऑफ माइंड, दे स्विच टू हिमालयन पिंक सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट. दे स्टॉप यूजिंग जो हमारा व्हाइट टाटा सॉल्ट होता है, वो स्टॉप कर दिया. उसकी वजह से क्या हुआ, दीज सॉल्ट्स आर गुड बट दे आर डेफिशिएंट इन आयोडीन. उनके टीएसए 10 से ऊपर हो गए. तो अगर प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ करते हैं तो इट इम्पैक्ट्स द ब्रेन ऑफ आर चाइल्ड. तो हमें ऐसी भी चीज नहीं करनी, बिकॉज टाटा सॉल्ट इज द ओनली ऑथराइज्ड आयोडाइज सॉल्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है. इट इज ऐसा नहीं है कि काला नमक नहीं यूज करना या पिंक सॉल्ट, आप उनको करो बट इन एडिशन टू वाइट सॉल्ट, ठीक है? ये हो गया. तो आयोडीन डेफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखना है. देन ब्राजील नट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, कई बार टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है? एंड अपार उसके बाद आते हैं हमारे कैल्शियम में, वाइट सेसेमे सीड्स, दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, जो वाइट बोलते जिनको. रागी इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. उसके बाद ऑब्वियसली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, ये सब चीजें हमने लेनी है. नट्स हैं, अंजीर, इफ योर शुगर लेवल्स आर ऑन द इन नॉर्मल रेंज, आप अंजीर ले सकते हो. इट इज वेरी गुड फॉर योर बोन्स, ठीक है? उसके बाद आता है प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए. आयरन के लिए वी ऑल नो देर आर टू टाइप्स ऑफ आयरन, हिम आयरन एंड नॉन हिम आयरन. जो आयरन हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, इट इज एब्जॉर्ब बेटर बाय आर बॉडी. जो हम प्लांट सोर्स से आयरन लेते हैं, जैसे किसी ने बोला पालक खाओ, एक तो सबसे बड़ी बात, पालक इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. अगर हम पालक और बथुआ को कंपेयर करें, बथुआ में सबसे ज्यादा आयरन कंटेंट है. बट कुछ चीजें हम हमेशा से सुनते आते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं जो हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है? तो स्पिनच और पालक इज अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन. उसकी जगह यू कैन हैव मेथी सीड्स, आप ये जो चौलाई का साग होता है वो ले अपनी डाइट में इंक्लूड करो, आप बथुआ इंक्लूड करो, इनसे आयरन कंटेंट बढ़ेगा. अपार्ट फ्रॉम इट, सोयाबीन, ऑल लेग्यूम्स, स्पेशली ब्लैक चना, ब्लैक चना इज वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन. बीटरूट में आयरन नहीं है, फोलेट है, ठीक है? तो बीटरूट इज ऑल्सो गुड. उसके बाद आता है आपका देर आर सर्टन थिंग, जैसे कि अगर आप आयरन रिच मील ले रहे हो, देन पेयर इट विद वाइटमिन सी फूड टू इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन.
अगर आप साग तोड़ोगे तो उसके ऊपर आप नींबू निचोड़ोगे, उससे क्या है कि लाइक आई टोल्ड यू जो हम खा रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रही है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो आयरन जब भी खा रहे हैं आयरन के साथ आयरन डिश उसके साथ आंवला इंक्लूड करो, लेमन लो ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़े. उस प्रोबेबली आप कोशिश करो कि जो खाना है वो आयरन रिच, वो आयरन जो कढ़ाई होती है यूटेंसिल्स होते हैं उसमें बने. तीसरी बात, डू नॉट टेक टी और कॉफी अलोंग विद मील्स, इससे हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है. ठीक है, तीन हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिन पे हमें थोड़ा फोकस करना है. मॉम्स लैक्टेशन के लिए भी उनको रेडी होना होता है साथ में, तो वो टाइम पे ऐसे पर्टिकुलर है जो आप टू बी मॉम्स को सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि वो ही आने के बाद इट हेल्प फॉर प्रोड्यूसिंग लैक्टेशन मिल्क आल्सो, और वो साथ में उनके लिए भी हेल्प रहे और फीटस के लिए भी वो अच्छा रहे, क्योंकि वो टाइम पे बॉडी रेडी होता है ब्रेस्ट मिल्क के लिए, तो वो प्रोडक्शन अच्छा हो या सिक्रीशन अच्छा हो वो टाइम पे. उसके लिए भी नीड टू टेक केयर ऑफ कैलोरीज. अगर हम हमारी कैलोरीज उस टाइम रेस्ट्रिक्टेड है तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, तो हमें थोड़ा सा कैलोरीज थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ानी पड़ती हैं. अलॉन्ग विद इट वाटर का ध्यान रखना पड़ता है. वाटर इज वेरी नेसेसरी, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है बट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. अलॉन्ग विद इट येस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ऐसा पहले एक मिथ था कि जितना दूध पियेंगे उतना दूध वो होगा बनेगा. इट इज नॉट द केस. देर आर सर्टेन वुमेन हु आर एलर्जिक टू मिल्क, जो लैक्टोस इनटॉलरेंट है, तो उनको हम दूसरे सोर्सेज ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑफ कैल्शियम ये दे सकते हैं, जैसे कि आप सोयाबीन हो गया, नट सीड्स, ऐसी प्लस फ्रेश फ्रूट्स, लीफी वेजीज, ईच एंड एवरीथिंग. ये सब चीजें मैटर करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर में. अंजीर है, खजूर है, ये चीजें अगर आप रेगुलर ले रहे हो तो ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन इज प्रॉपर. लेकिन दीज डेज ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है गर्ल्स. रीजन ये है अगेन कि जो न्यूट्रिशन उन्होंने सिर्फ प्रेगनेंसी में ध्यान दिया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है. अगर न्यूट्रिशन ठीक होता बिफोर प्रेगनेंसी ऑल्सो तो ये प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती. तो जैसे गुड़, अजवाइन है, ऐसी चीजें हम लेने के लिए प्रेफर करते हैं. देर आर सर्टन ट्रेडिशनल मेथड्स जो आजकल की जनरेशन नहीं मानती है. ठीक है, तो बट दे ऑल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस थिंग लैक्टेशन. उसके अलावा आप ये बोल सकते हो स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस हो उससे ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन भी उससे भी इम्पैक्ट आता है उस चीज का. सो इन चीजों का थैंक यू सो मच, आपने इतने इंफॉर्मेटिव बात आज हमारे साथ शेयर की. आप आपकी साइड से भी मॉम को क्या टिप्स देना चाहोगे दैट व्हाट दे हैव टू डू व्हाट दे हैव टू अवॉइड और सब क्या उनको. मैसेज फॉर वुड बी मॉम्स वुड बी कि टेक केयर ऑफ योर डाइट, खुश रहो, हेल्दी रहो, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. प्रेगनेंसी इज अ ब्यूटिफुल फेज ऑफ योर लाइफ, इट क्रिएट्स अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड, तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. हैव मोर ऑफ होम कुक मील्स. कभी कभी बाहर का दिल करता है खाने का, यू कैन हैव चीट मील्स ऑल्सो. वी आर नॉट सेइंग कि बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना, बट प्रेफरेबली अगर आपका कुछ मन करता है तो मेक श्योर कि वो घर पे बना के खा रहे हैं, बिकॉज बाहर के खाने में थोड़ा हाइजीन इश्यूज भी होते हैं. ओके, सो 80 to 90% ऑफ द टाइम एंजॉय होम कुक मील्स, 10% आप बाहर का खा सकते हो. थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ध्यान देना है. द मोर यू मूव योर बॉडी मोर वुड आपकी जो डिलीवरी है इट वुड बी नॉर्मल और इजी हो जाएगी. ठीक है, उसके अलावा डू नॉट टेक एनी सप्लीमेंट विदाउट योर डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन. इफ प्रिस्क्राइब्स आपको तभी लेना है. डू नॉट फोकस कि अभी मैं मोटी हो रही हूं, मेरा स्किन का कलर चेंज हो रहा है. एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल, थोड़े टाइम लगता है, बट एंजॉय दिस फेज, क्रिएट बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड. आपको
पूरी जिंदगी उस व्यक्ति के साथ रहना है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक हियर टू से कि सिर्फ प्रेगनेंसी में खाना खाया, एक बार बेबी इज बॉर्न, दैट इज नॉट आर गोल. उस बच्चे को बड़ा करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी. तो इट इज नॉट कि 9 महीने हमने क्या खाया है, वो जो एक टास्क होता है, नेवर एंडिंग टास्क, उसके लिए यू शुड ईट हेल्दी, क्योंकि तब आपको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ने वाली है. एंड इफ यू आर ऑन द वीकर साइड, आपका बैक एक हो रहा है, आप सुबह उठ नहीं पा रहे हो, तो यू आर गोइंग टू मिस दैट दोज ब्यूटिफुल मोमेंट्स विद योर चाइल्ड. वी डू नॉट वॉन्ट कि हम बीमार बेड पे पड़े रहे और हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हम उसे देख नहीं पा रहे, हम उसे खड़ा, हम उसका फर्स्ट स्टेप नहीं देख पा रहे, हम उसके साथ पार्क में नहीं खेल पा रहे हैं. तो इन सब चीजों के लिए भी शुरुआत कहाँ से होती है? विद गुड न्यूट्रिशन. देर इज नो अदर वे आउट. अगर हमारा खाना ठीक होगा तो हमारी जिंदगी अच्छे से चलेगी, एंड वी रियली वॉन्ट टू एंजॉय दीज मोमेंट्स, है ना? तो उसके लिए खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसे कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है. एज आई टोल्ड यू, जो आपकी थाली है उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस लाने हैं, मॉडिफाई करना है. यू कैन हैव एवरीथिंग विच इज कुक्ड एट योर होम. आई हैव अ क्लाइंट हु इज फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड उसने प्रेगनेंसी में शी हैड जेस्टेशनल डायबिटीज, लेकिन डेली राइस खाए है, राइस सांभर खाया है. इट इज नॉट कि कोई चीज मना है, बट येस, अलॉन्ग विद इट उसका एक प्रोटीन सोर्स और फाइबर का डाल के भी, मतलब उसका जेस्टेशनल डायबिटीज में 7.8 से 5.3 हमारा शुगर लेवल आ गया था उसका, ठीक है? तो जस्ट रिलैक्स. सबसे बड़ी बात, खुश रहो, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो. जो आप सोचोगे वो बच्चे के अंदर जाएगा. सो पॉजिटिव थॉट सोचो एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल जर्नी. एंड ऑफ कोर्स इफ यू नीड एनी हेल्प, सो वी आर हियर टू हेल्प यू. कोई क्वेरीज है, इफ यू नीड एनी सजेशन ऑन द डाइट पार्ट, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. Definitely, definitely, we are always there with you in your journey. आपकी करनी को हमेशा हेल्दी बनाने के लिए we all are here. So thank you so much जी for joining with us और हमारे साथ मिलके जो अवेयरनेस स्प्रेड की है आपने. थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन. यस, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद न्यूट्रिशन, बिकॉज हम और भी बहुत हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ और भी पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून विद अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू रितु जी. थैंक यू सो मच.